तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप YouTube का जो URL होते हैं उसको कैसे कस्टम URL में बदले, उसको चेंज कैसे करें, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले जो YouTube का URL होते हैं कुछ इस प्रकार से होते, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इतना बड़ा YouTube का जो URL है मेरा चैनल का, तो इस इतना बड़ा है, तो इस URL को कैसे बदले उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहे। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है हम जैसे क्रिएटर को फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो बनाने में। आपको कस्टम URL में चेंज करने के लिए आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब स्टूडियो को डेस्कटॉप साइट में कर लेना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आप लैपटॉप से कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप क्रोम में आपका जो स्टूडियो है डेस्कटॉप साइड में यहाँ पर ओपन कर लो। तो देख सकते हो मैं स्टूडियो यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो स्टूडियो ओपन करने के बाद सिंपली मैं आपको बता दूंगा इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर हो गया है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपको कस्टम जो URL है उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर चैनल URL, तो यहाँ पर देख सकते हो सेट अ कस्टम URL फ्रॉम योर चैनल। तो अगर मैं पहले मेरा जो URL है दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा जो पहले जो URL है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इतनी बड़े एक URL यहाँ पर दिया गया है। तो इस URL को कस्टम URL में बदलने के लिए सिंपली सेट अ कस्टम URL फॉर योर चैनल। तो आप सेट कस्टम URL में टच करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप जो URL है कुछ इस प्रकार से हो गया है www.youtube.com/c/ मेरा चैनल का नाम यहाँ पर आ गया है। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो देख सकते हो इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये अवेलेबल भी है। तो इसको आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो देख सकते हो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर पब्लिश में जैसे ही टच कर दूंगा तो यहाँ पर कन्फर्म में टच करूँगा। देख सकते हो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दे दिए गए है यहाँ पर, योर कस्टम URL इज रेडी। तो यहाँ पर जो कस्टम URL है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा कस्टम URL बन के तैयार हो गया है। तो सिंपली मैं कन्फर्म में टच करूँगा और ये जो URL है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर पब्लिश भी हो चुका है। तो मेरा जो URL है अभी कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो अगर मैं किसी भी फ्रेंड को अगर अभी मैं मेरा जो चैनल का URL है वो सेंड करने जाऊँ तो सिंपली यहाँ पर टाइप कर दूंगा youtube.com। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। अगर मेरा किसी फ्रेंड इस लिंक में टच करे तो देख सकते हो कितना छोटा हो गया है कस्टम URL। तो इतना छोटा आप भी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। इस लिंक में कोई भी फ्रेंड टच करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा YouTube चैनल है यहाँ फिर से ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो गया है, जो मेरा YouTube चैनल है उस लिंक में टच करेगा तो ओपन हो जाएगा। जो YouTube के रिलेटेड और कोई भी जानकारी पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इस चैनल में हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो बनने के लिए। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।